पराधीनता पर निबंध हिंदी में। पराधीन शब्द दो शब्दों के योग से बना है, पर प्लस अधीन, अर्थात दूसरे के नियंत्रण या बंधन में रहना, इसी को पराधीनता कहते हैं। इसलिए जब कभी एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल देश को अपने अधिकार में कर लेता है, तो अधिकार में आए देश को हम पराधीन देश कहते हैं। पराधीनता भय की जननी है। पराधीन व्यक्ति के मन में सदैव भय बना रहता है। इस भय के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता है। हमारे भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत कभी मानवता के सागर के लिए जाना जाता था। प्राचीन समय में हमारा देश सबसे उन्नत था, लेकिन कई सालों तक पराधीनता के होने की वजह से हमारे देश की स्थिति ही बदल गई है। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं, इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। सुख पराधीन और परावलंबी दोनों के लिए नहीं बना है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। पराधीनता के समान अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पराधीनता एक व्यक्ति की हो सकती है, एक परिवार की हो सकती है, या फिर देश की हो सकती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कभी भी कहीं भी अपमान कर सकता है। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। पराधीनता की कहानी किसी भी देश, जाति या व्यक्ति की हो, वह दुख की कहानी होती है। पराधीन व्यक्ति कभी भी अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। जिस सुख को स्वतंत्र व्यक्ति अनुभव करता है, उस सुख को पराधीन व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पराधीन व्यक्ति एक मृत के समान होता है। हमें कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर अनुभव करता है, वो पराधीन होकर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आंधियों से लड़ सकते हैं, वे कभी भी पराधीनता से पराजित नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।